हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या प्रीकम से भी प्रेगनेंसी हो सकती है? काफी लोगों के इस तरह के सवाल आते हैं कि मैडम प्रीकम से क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि जब हम रिलेशन बनाते हैं तो स्पर्म आने से पहले कुछ चिपचिपा निकलता है, यानी कि कुछ डिस्चार्ज आप कह सकते हैं, तो उसके कारण प्रेगनेंसी लगती है या फिर कितने परसेंट लगने के चांस होते हैं या फिर नहीं होते हैं। इस तरह के काफी आप लोगों के सवाल होते हैं कि हम डाउट में हैं प्रेगनेंसी लगेगी या फिर नहीं लगेगी, हमको आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 ले लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो देखिये, वैसे तो प्रीकम में यानी कि जो भी चिपचिपा निकल रहा है मेल का, यानी कि रिलेशन बनाए उसके बाद कुछ चिपचिपा निकलता है, ताकि जो ये रिलेशन की प्रक्रिया है यानी कि सेक्स की प्रक्रिया है वो अच्छे से चल सके। क्योंकि ड्राई अंदर रहेगा तो इससे क्या होगा कि आपको सेक्स में काफी ज्यादा पेन होगा और वो आपके लिए सही नहीं होगा, इस कारण कि पहले ही आपका प्रीकम हो जाता है। तो इस केस में आपको प्रेगनेंसी लगने के कितने चांस होते हैं? देखिये, वैसे तो प्रीकम में यानी कि जो चिपचिपा जो भी लिक्विड आ रहा है आपका, इसमें स्पर्म की मात्रा नहीं होती है, काफी हद तक नहीं होती है, लेकिन कुछ केस में, कुछ परसेंट केस में स्पर्म हो भी सकता है। जी हाँ, तो कुछ परसेंट केस में यहाँ पे स्पर्म हो भी सकता है, इसलिए आपको अगर आपका ओवुलेशन टाइम चल रहा है तो जरूर आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 ले लेनी चाहिए। अगर आपको 72 घंटे नहीं हुए हैं तो आपको आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 फर्स्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर ले लेंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। क्योंकि देखिए, आपको यहाँ पे अपना ओवुलेशन टाइम भी पता होना चाहिए, ओवुलेशन डेट आपको कैसे निकालनी है, इस पर मैंने फुल वीडियो बनाया, 2 मिनट का वीडियो है, आप 1 मिनट में आसानी से निकाल सकते हैं, 1 मिनट से भी कम में आप अपना ओवुलेशन टाइम निकाल सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। काफी अच्छे से मैंने वहां पे आपको बताया हुआ है किस तरीके से आपको अपना ओवुलेशन निकालना है और आपको वो मेथड काफी ईजी लगेगा, तो जरूर उस वीडियो को देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अपना ओवुलेशन टाइम जरूर मालूम होना चाहिए, जिससे कि आपको यह भी पता लग जाता है कि आपके सेफ डेज कौन से हैं, अनसेफ डेज कौन से हैं। आप सेफ डेज में रिलेशन बनाते हैं विदाउट प्रोटेक्शन के भी तो वहां पे प्रेगनेंसी नहीं लगती। अगर आप अनसेफ डेज में चल रहे हैं यानी कि ओवुलेशन टाइम आपका चल रहा है, क्योंकि अंडा जो निकलता है ट्यूब में आता है वो 24 से 48 घंटे तक वहां पे वेट करता है, और उस दौरान अगर आपने रिलेशन बना दिया तो वहां पे आपको प्रेगनेंसी लगने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। तो आपको अपने सेफ और अनसेफ डेज भी पता होने चाहिए, जिस पे भी मैंने फुल वीडियो बताया हुआ है, कैलेंडर मेथड में मैंने समझाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका उस दौरान ओवुलेशन चल रहा होगा तो आपको आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 ले लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, आप डाउट में हैं, फिर भी आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है या फिर निकालना नहीं आता। या मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका अगर ओवुलेशन टाइम चल रहा होगा तो आपको प्रेगनेंसी लगने के चांस होते हैं प्रीकम से भी, क्योंकि कुछ परसेंट केस में जो प्रीकम है यानी कि चिपचिपा जो भी लिक्विड है उसमें स्पर्म होने के भी चांस होते हैं। 100% नहीं कह सकते कि प्रीकम में स्पर्म नहीं होते, बिल्कुल निल 0% उनमें स्पर्म होते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ परसेंट केस में होते भी हैं तो आपको स्टिल प्रेगनेंसी लग सकती है अगर आपका ओवुलेशन टाइम चल रहा होगा तो। तो आपको अगर 72 घंटे अभी नहीं बीते हैं तो आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 ले लेना चाहिए, जिससे कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकें। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करके जरूर बताएं आपके लिए वीडियो कैसा रहा। अगर आपके कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट में लिखें, हम पूरी कोशिश करते हैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।